तो ये शरीर उपादान है, पंचभूतों का पंचीकृत एक रूप है, इसलिए उपादान कारण वो भी भगवान है। तो सारे सृष्टि में भगवान की ही अभिव्यक्ति है। जब उन्होंने कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट किया, इसको ध्यान से सुनने का बहुत जरूरत है। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनको कुछ भी नहीं मालूम था कि मैं कहां से आया, मुझे क्या करना है, किस तरह से रहना है, कौन से काम के लिए मुझे आना पड़ा, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उस समय त्रिमात्रा में एक शब्द निकला, क्या? तब। तब 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 त्रिमात्रा, उदरा मुदरा और तार, त्रिमात्रा में एक ही शब्द निकला, तब तब तब। अनुनासिक शब्द में जाके मिले, पहले तो उदर से निकला, इसलिए ये सृष्टि में जीव जब ओंकार का जप करता है उसका जीवन अपने आप सुंदर होता है। ये भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा, ब्रह्म बीज अविस्मरण, ये ओंकार जो ब्रह्म बीज है इसे कभी नहीं भूलना, ओंकार का जप करो सांसों के साथ, अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए तप, तो तप जीवन का मूल लक्ष्य क्या हुआ, तपस्या। ब्रह्मा जी ने इन्हीं शब्दों को बोले, अच्छा तप 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 कैसा बोल सकता था, लेकिन ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के हृदय नाभि कमल से उनका जन्म आविर्भाव हुआ, इसलिए वो थोड़ा विचार करने लगे कि हमको कोई कुछ निर्देश दे रहा है, मुझे उसको पालन करना पड़ेगा, कोई है जो मेरे पीछे सारे सारा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, सुप्रीम कंट्रोलर है, तो इसलिए मुझे देखना है वो परम सत्य, वो सुप्रीम पर्सनालिटी, वो कौन है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्रह्मा जी ने सुना कि तप तप तप, सोचिए उदरा मुदरा तारा, अर्थात एक तो उदर से निकला, एक मुदरा बक्ष से निकला, और एक तारा जो सहस्रार से निकला। तो इसलिए ये उदर से जो निकलता है आवाज, ये आवाज नाद है, नाद, इस नाद का जो जितना अभ्यास करेगा, जो जितना इस नाद का अभ्यास करेगा उसका जीवन उतना ही कल्याणमय होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, तप तप तप, सोच लो क्या उपदेश दिया भगवान ने, तप कर, क्या उपदेश दिया, सृष्टि का आदि शब्द क्या था, तप, तपस्या करो, तपस्या करने से तुमको शांति मिलेगी, तुम जो भी कुछ चाहते हो ये संसार में, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वो सब तुमको तपस्या के द्वारा ही मिलेगा। इस बात को हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए और इसे याद रखना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भी वही शब्द को सोचा, सोच करके उनको उन्होंने तीनों शब्दों को मिलाकर एक ओंकार को निकाला। ये तीनों शब्द जो त्रिमात्रा में उच्चारित हुआ है, त्रिमात्रा, तो इसको अ उ और म और ना, अनुनासिक शब्द, अनुनासिक शब्द ओंकार के साथ जो बिंदु है अनुनासिक शब्द है, तो इसलिए उन शब्द को मिला करके बहुत ध्यान दो कि ब्रह्मा जी ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने इसको इन तीनों शब्दों को जोड़ करके बनाया, बनाया ओ, उनके हृदय में
एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। फिर उन्होंने उसी के आधार पर वो कमल के नाल को पकड़ के नीचे की तरफ ढूंढने का कोशिश किया। उसी नाल में 14 ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो ब्रह्मा जी ऊपर उठकर फिर बैठ गए और ओंकार का जप करने लगे कि देखते हैं प्रभु ने जब कहा तपो तपो तो मैं ओंकार का ही तप करता हूं। तप तो मुझे कैसे तप कैसे करना है मुझे तो मालूम नहीं है। तो मैं समझो ये जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। बाप प्रभु ने कहा प्रणव से महावाक्य ईश्वरी मूर्ति, समझ गए जितना महाप्रभु का शब्द है, प्रणव से महावाक्य ईश्वरी मूर्ति। ओंकार जो है वेद का महावाक्य है और ईश्वर का दिव्य रूप है, ईश्वर का मूर्ति है ओंकार। प्रणव से महावाक्य ईश्वरी मूर्ति। ये तीनों का सूर्य नहीं अलग है तो इसलिए ये प्रश्न आया कि प्रणव से महावाक्य ईश्वरी मूर्ति। तो प्रणव माने ओंकार, ओंकार ईश्वर का प्रकट रूप है, शब्द रूप है। जैसे ईश्वर सर्वव्याप्त व्यक्त है उसी प्रकार ओंकार भी सारे पृथ्वी सारे प्राणियों में सभी प्रकार शब्दों में ओंकार व्याप्त है। ओंकार कोई भी शब्द बोलो, जैसे बोलो बोला तो बोलो, ये बोलो शब्द में भी ओंकार का मिश्रण है। पृथ्वी का ऐसा कोई शब्द नहीं, चाहे कुत्ता क्यों कर रहा, क्यों बिल्ली में कोई भी करता है तो उसमें ओंकार जुड़ा हुआ है। और देखोगे जब आदमी का तकलीफ होता है बीमार होता है तो वो क्या करता है, इसका मतलब वो ओंकार का वो जानता नहीं है लेकिन ओंकार का जप करने से उसको आराम मिल रहा है। वो जो कर रहा है ना, देखो कोई भी ज्यादा बीमार होगा तो ऐसे ही करेगा। अगर रात को मुझे बहुत ज्यादा बुखार आ गए तो मैं भी वही करूंगा, मुझे दवाई दो, समझ गए ना। तो कोई भी तकलीफ होता है कोई भी दर्द होता है तो सारे विश्व में सृष्टि में सूर्य में चंद्रमा में सभी में ओंकार का नाम निकालना है। इसलिए मनुष्य जब जन्म लेता है आप देखोगे कुत्ता भी, कुत्ते का बच्चा वो भी ओम बोलता है। बच्चा ऐसा करता है, छोटा जो बच्चा पैदा होता है वो भी। तो कुत्ते का बच्चा भी ओम बोल रहा है, बिल्ली का बच्चा भी। तो सारे पृथ्वी ओम से जुड़ा हुआ है। जो ओम का तपस्या करेगा उसका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने ओंकार तपस्या किया, फिर एक चारों तरफ एक प्रकाश फैल गया, एक प्रकाश सुंदर। और प्रकाश फैलने के कारण भगवान नारायण का दर्शन मिला, समझ लो नारायण का दर्शन मिल गया। किसको? ब्रह्मा जी। तो भगवान उनको चार श्लोक में उपदेश दिया कि इस तरह से तपस्या करना है, ठीक है। तो भगवान ब्रह्मा जी को कहा कि तुम्हें सृष्टि कार्य का विस्तार करना पड़ेगा मेरी शक्ति से, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें सारा शक्ति संप्रदान करूंगा तो तुम सृष्टि का। तो फिर सृष्टि कहां से शुरू हुआ? तपस्या से। इसको याद रखो, तपस्या तपस्या ही जीवन का मूल मंत्र है। जो मनुष्य तपस्या नहीं करता उसके जीवन में सारा सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तपस्या करो, तपस्या के बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। जितना सुंदर करके तपस्या करोगे, जितना सुंदर करके ईश्वर का अनुभव करोगे, जैसे भी तुम जीवन को बिताना चाहोगे तुमको उसी प्रकार का शांति मिलेगी। तो इसलिए सृष्टि का विस्तार हुआ,
सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी ने किया। तो ब्रह्मा जी ने सारे सृष्टि रहस्य को धीरे धीरे विस्तार करने लगा। चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र से लेकर के सभी प्राणियों का विकास हुआ, कैसा ब्रह्मा जी का विधान है। ठीक है, तो इसलिए कहां से सृष्टि, हम कहां से आए, तपस्या से। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तपस्या करना। हमारे जीवन में पाने के लिए क्या करना है, तपस्या करना। भगवान को पाने के लिए तपस्या करना। ऋषभ देव भी यही कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का, हे पुत्र तुम तपस्या करो। पुत्रों से कहा तपो दिव्यम, हे पुत्र तुम्हें तप करना चाहिए, तपस्या के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि विषय का भोग जो है विण भुजा, जो विष्टा भजी कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी भोग करता है। तुम भी अगर भोग करना चाहोगे तो उन कीड़े मकोड़े के साथ तुम्हारा क्या अलग पहचान रहेगा। तो इसलिए तुम्हें तपस्या करना है, कीड़े मकोड़े के तरफ जीवन को नहीं बिताना है। तुम इस बात को समझ लो, सोच लो, चिंता करो। सृष्टि किससे हुआ, तपस्या से। ब्रह्मा जी को ताकत कहां से मिली, तपस्या से। प्रकाश कहां से मिला, तपस्या से। भगवान का दर्शन कैसे हुआ, तपस्या से। इस बात को जीवन में पहले आदमी को, आप लोगों को भी सोच लेना चाहिए। जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं, जो लोग यूट्यूब में, हम दे देंगे यूट्यूब में देखेंगे, आप सभी को एक ही बात कहना है कि तपस्या करना सीख लो। तपस्या के बिना जीवन बेकार है। वो मनुष्य बेकार है जो शास्त्र के विधि के अनुसार जीवन में मंगल प्राप्त करने का कोशिश ना करे, सद्गुरु चरणाश्रय ना करे, ईश्वर की तपस्या में जीवन को समर्पित ना करे, वो मनुष्य का जीना बिल्कुल बेकार है। इसलिए ब्रह्मा जी ने तपस्या करके सृष्टि का प्रारंभ करना शुरू किया। और हमें भी भगवान गीता में कहते हैं तप कर, कर कहा है? गीता में तपस्या करने के कहा कि नहीं, कहा तपस्या कर बोला है। तो शरीर का तपस्या क्या है, शरीर के द्वारा जो तप हम करेंगे, भगवान इस शरीर के तपस्या को बोल दिया कि शरीर से तप कर। कैसे बोले, बोले देखो तुम्हारा जीवन जो मैंने दिया है तुम्हें देव द्विज गुरु प्राज्ञन पूजनम शौचम आर्यम और ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। इसे शरीर की तपस्या कहते हैं भगवान। क्या क्या, देवताओं को प्रणाम करो, सम्मान करो, द्विज ब्राह्मण को सम्मान करो, सम्मानी व्यक्ति का कभी भी अपमान मत करो, प्राज्ञजन जो वृद्ध जन है उनका अवज्ञा या अपमान बिल्कुल ना करो, उनको सम्मान दो। प्राज्ञम और शौचम पवित्र रहने का अभ्यास करो। और दूसरी बात आर्यम, क्या बोला आर्यम, मतलब आर्यम माने आर्यम शब्द का अर्थ है सरल होना। बहुत बड़ा गुण है, मैंने कई बार बोला कि आर्यम का मतलब है सरल होना, सरलता। जीवन में सरल होना चाहिए। क्यों झूठ बोलेंगे भाई, क्यों पाप का भागीदार बनेंगे, क्यों दूसरों को दुख देंगे, क्यों दूसरे के पीछे हम निंदा करेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, क्यों करेंगे। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्यम, तो ये शुचिता पवित्रता, अपने को पवित्र रखने का कोशिश करना। आर्यम और उसके बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का यत्न पूर्वक अभ्यास करना होगा। ब्रह्मचर्य कई प्रकार से नष्ट होता है, खाली स्त्री संसर्ग से ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता,
स्वप्न में भी होता है और कई प्रकार वस्तुओं के कई प्रकार अंगों से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। आंखों से पिचुटी के रूप में निकलता है, कानों से मैला के रूप में निकलता है, नाकों से सर्दी के रूप में निकलता है, मुख से कफ के रूप में निकलता है और मल मूत्र दार से तो निकलता है ही। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो ब्रह्म भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो यत्न के साथ। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा उसके जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो तपस्या नहीं कर पाएगा, उसके जीवन में कमजोरी रहेगी, वो अपने शक्ति को ठीक से पहचान नहीं पाएगा, अपने अंदर की ताकतों से उसका दर्शन नहीं होगा, उसका अनुभव नहीं होगा। अपने अंदर जो ताकत है उन ताकतों से तभी हम परिचित हो सकते हैं यदि हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास हो। बहुत जरूरी ब्रह्मचर्य। उसके बाद का शब्द बोला अहिंसा। किसी पर भी हिंसा मत करो, चाहे कोई खराब हुआ, दूसरों का चर्चा करना, दूसरों का निंदा करना, दूसरों के बारे में झूठ बोलना बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। दुनिया में ना जाने कितने लोग ऐसे होते हैं कि झूठ बोल के झगड़ा शुरू करवा देते हैं, बाद में जब उसका सच्चाई पता लगता है, जो बुद्धिमान लोग है सच्चाई को जान लेता है, तो ये सोचता है कि आपकी तो बहुत खराब है, समझ गए ना। तो इसलिए कभी झूठ मत बोलो, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, चित्त मलिन होता है, कपट बुद्धि हृदय में भर जाती है। मनुष्य का कल्याण तभी होगा जब वो शरण होगा, आर्यवता को प्राप्त करेगा। आर्यवता इसको निश्चित रूप से ध्यान दो, यह हमें शरण होना है। वैष्णव शास्त्र में कहा गया कि साधु होना तो सहज है लेकिन शरण होना बहुत कठिन है। शरण होना बहुत कठिन है। साधु तो कोई भी कह दिया हम साधु बन गए, हम साधु, आप भगवे कपड़े पहनेंगे, पगड़ी लगाएंगे और कीर्तन करेंगे इत्यादि इत्यादि कई प्रकार के काम होते हैं। भिक्षा का भी हमारा वो आया था सुशांत, उसने कहा मेरे ऊपर सारे लोगों ने बाघ चलाया। आगे देखो कैसी बात है, कैसी विडंबना है। उसको मैं घर से ले आया और वो हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाता है, उसका जीवन ऐसा ही जाएगा। अभी बाबा जी का भेष ले लिया और हमारे मुखराई में राधा रानी का जो नानी हल है वहां के वहां थोड़ा सा जमीन लेके घर थोड़ा बनाया, अब वो पैसे के चक्कर में घूम रहा है, वहां बाजार में थोड़ा सा मांगता है, जो भी सड़ा हुआ गला हुआ जो भी कुछ दे वही सब उबल के दोनों टाइम खाता है। और लोग कान से भी पहले नहीं सुनता था, अब तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है, बहुत सुनने में परेशानी है। उसको ले आया अहमदाबाद से 83 में उसको अपने खर्चे से अहमदाबाद से ले आया, लेकिन इतना पागल है। अब वो कहते हैं महाराज हमको सारे वृंदावन, सारा राधा कुंड, सारा वृंदावन, नंदगांव आदि जितने भी जगह है सब मुझे पहचानते हैं, और सब कहते हैं ये पागल आ गया, पागल बाबा, पागल आ गया, कितना बड़ा। अरे तो हमने कहा तो अच्छी बात है, देखो वृंदावन में पागल बाबा का कितना बड़ा मंदिर है, पागल बाबा कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों को बहुत कुछ दिया, तभी तो लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया उनको दिया। तो तुम्हारा पागल बाबा नाम है, तुम ही ऐसा करो। बोले महाराज आपको कुछ पैसे दीजिए ना। अरे मारूंगा एक थप्पड़, पागल बाबा बन के घूम रहा है, पैसा मांगता नहीं रहा है। तो बात यह है कि वो जीवन का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मनुष्य अपने को पहचानता नहीं और दूसरे के ऊपर। हमको ऋषिकानंद महाराज ने हमको बांध चलाया मारने के लिए, कभी कहेगा प्रियानंद ने बांध चलाया, बोले इतना बांध चलाया, मैंने कितने सारे तांत्रिकों के पास दिया, सबने कहा तुम्हारे ऊपर बांध मारा हुआ है, मेरे पेट में हजम नहीं होता है,
मैं खा नहीं पाता, बहुत कमजोर हो गया हूं और दुखी हूं। अब सोच लो, ये आदमी दूसरों के निंदा करने में ही अपना भला समझता है। अरे मूर्ख, मेरे सामने बिल्कुल नहीं आना, तुमको मैं बचपन से जानता हूं, तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारा नाक का बीमारी है, उस नाक के बीमारी का ट्रीटमेंट होना चाहिए था, तो तुम तो वो सब करोगे नहीं, मानोगे नहीं, तुम तांत्रिक के पास जाओगे, उनको पैसा दोगे, अरे आप जैसे भी देखे। एक मुसलमान के पास गया, उसने तो एक ताबीज दिया, बोले इससे थोड़ा सा मैं बच गया, नहीं तो अब तक मर जाता। तो ऐसे साधु होके वृंदावन में इन कुत्तों को रहने का क्या अधिकार है? ये कुत्तों को वृंदावन में रहने का क्या अधिकार है जो अपने जीवन में, अपने साधना में, अपने लक्ष्य में स्थिर नहीं है और पागल बन के घूम रहा है और जीवन का कोई कॉन्फिडेंस नहीं? ऐसे जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे जीवन सारे दुखों के कारण होते हैं। तो मनुष्य, आपने जो भी दुख जिनको झेलना पड़ता है वो अपने कर्म फल से ही झेलता है, समझ गया? कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, दुख तो उसका अपना कर्म का फल है। तो इसलिए पिछले जन्मों में जो उसने कर्म किया उसी का फल उसको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन हम उसका निंदा नहीं कर रहे, क्योंकि वो मेरा स्नेह पड़ रहे, देखते ही मेरे पैर पर सो जाता है, प्रणाम करता है, अभी भी बाबा जी भेज लेने पर भी, तो चिरकाल कहीं भी हो तो उसका निंदा क्या करना है? लेकिन उसने अपने जीवन को बिगाड़ लिया, अपने विश्वास को, अपने तपस्या को, अपने ईश्वर प्रणिधान को, अपने जीवन के आत्मविश्वास को इसने खो दिया। देखिए, आप दुनिया भर में घूम रहा है। हमारे हरिदास शास्त्री जी का एक शिष्य था, उसको वो कह रहा है, मुझे थोड़ा तंत्र विद्या के ऊपर विश्वास लाने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। बोले क्या करना चाहते हो? तो उसके बातों से पता चला, बोले बहुत सुंदरी, बहुत ही सुंदर और गोस्वामी घर की बहू है, मैं उसको अपने बस में करना चाहता हूं, चाहे जितना पैसा लगे, समझ लो। मुझे कहा, मैंने कहा तो आज की बात नहीं है, वो आज से करीब 48-49 साल पहले, तब मैं व्याकरण पढ़ रहा था हरिदास शास्त्री के पास और उन्हीं का शिष्य था, वो पाषण उन्हीं का शिष्य था। मैंने कहा, हरिदास शास्त्री जी इतने बड़े विद्वान और तुम ऐसे क्या करते हो? बोले महाराज, हमने बहुत कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। एक आदमी ने मुझे कहा, ये जो श्वेत सफेद चील होते हैं ना, वो चील को पकड़ के ले आओ, मैं तंत्र कर दूंगा और तुम जो चाहते हो वही हो जाएगा। उसने क्या किया, सफेद चील कहाँ मिलेगा? तो सुना कि चील का ह्रद में मिलेगा, चील का उड़ीसा में जो चील का ह्रद है वहां मिलेगा। तो वहां गया, जाके लोगों को पैसे पैसे दे करके इधर उधर करके, कोई पक्षी ऐसे ही पकड़ में आता है, तो बहुत कष्ट करके चील को पकड़ लिया, लेके अपने जो केटली है, डिब्बा है, उसी के अंदर भर के बंद करके लेके वृंदावन आ गया। वो तांत्रिक बोल रहा था, वो सफेद अगर चील मिल गया, क्योंकि वो उसके पीछे पड़ा हुआ था, दिन रात उसी के पीछे पड़ा हुआ था, कि क्या करने से ये हो सकता है, हम उनको देखना चाहते कि तंत्र विद्या में कितनी शक्ति है। तो फिर क्या हुआ, फिर ध्यान की बात, वो क्या किया उसने, कहा ठीक है, उसने फिर समझ लो, उसने फिर वृंदावन पहुंचा गाड़ी में से, आके उनके पास गया, बोले ये ले आया सफेद चील चाहिए था आपको, वो मैं ले आया, इससे हमको काम करवा दीजिए। तो उसका ढक्कन जब खोला तो इतना बदबू निकला, उसमें सारे कीड़े मकोड़े भर गए थे, चील का तो अस्तित्व नहीं बचा था, सारे कीड़े मकोड़े हो गए थे। ढक के ले आए तो इतना दिन उड़ीसा से आया, फिर कलकत्ता से आया, और आके उस समय तो तूफान ही चलता था, तो पता नहीं कैसे कैसे परिश्रम करके आया। अब वो तांत्रिक बोला, लेके भाग भाग भाग, इतना कीड़े हो गया, यहाँ तो हमारा सब बीमारी फैल जाएगा, तू लेके भाग भाग। आपने तो कहा था लड़ने के लिए, मैं तो ले आया सफेद चील मार के, ये सारा साधु होके सफेद चील मार के ले आया, मारूंगा, जल्दी भाग गया, ढक्कन बंद करके फिर भगा दिया। आप सोच लो कि मनुष्य में कितनी दुर्बुद्धि है,
हरिदास शास्त्री जैसे महात्मा जिन्होंने 8 साल तक काशी में रहकर चना खा के संस्कृत का अध्ययन किया और नवरत्न माने नवतीर्थ हुए, व्याकरण तीर्थ, न्याय तीर्थ, काव्य तीर्थ, सांख्य तीर्थ, वेदांत तीर्थ, भागवत तीर्थ, इस तरह से नवरत्न उनके गेट में लिखा हुआ है। नवरत्न हरिदास शास्त्री, इतना बड़ा विद्वान अभी वृंदावन में कोई नहीं है, कोई नहीं। उन्होंने जो भी किताब लिखा वो सरकारी खर्चे में छापा गया, सरकार के पैसे से उसको छपा है लोगों के लिए, इतना बड़ा विद्वान का कुछ रह जाए। उन्होंने बहुत मुझे बहुत स्नेह करते थे। चलिए ये बात को यहाँ समाप्त करते हैं। आप सोच लो कि मनुष्य की बुद्धि कितनी भ्रष्ट होती है। आप तांत्रिक के पीछे पड़कर चील को लाकर कुछ नहीं हुआ, वो मुझे दुख सुना रहा था कि मेरा क्या होगा, आपको कोई जानकारी है कैसे ये हो सकता है। अरे सारे तुम तो बहुत बड़ा पापी हो, हरिदास शास्त्री जैसे महापुरुष का शिष्य होकर मैं शास्त्री जी को बताऊं? शास्त्री जी मुझे बहुत स्नेह करते थे, कभी तुम नहीं बोलते थे, आप बोलते थे, तो मैं शास्त्री जी को बता दूं? बोले नहीं 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 नहीं, वो तो मेरा पास में निकल देंगे, घर नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। आप मत बोलिए, प्लीज मत बोलिए। अरे ठीक है, लेकिन तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम इतना बड़ा पाषंड निकले, इतने बड़े साधु। हरिदास शास्त्री 3-4 बुखार में, जैसे मैं बुखार में प्रवचन दे रहा हूँ, वो 3-4 बुखार में भी यमुना जी में जाता है सुबह 4-4:30 बजे, कोई की कभी उनको नहीं देखा, यमुना जी में स्नान करके यमुना जल ला करके अपना गौर गदाधर का पूजा करते थे, उन्हीं के लिए भोजन बनाते थे अपने हाथ से, और उनका इलाका बिल्कुल ब्लॉक था, ताला बंद होता था, कोई नहीं जा सकता। वो कभी बात नहीं करते थे, वो खाली लिखते थे और ठाकुर जी का पूजा, गौर गदाधर का पूजा करते थे अपने मंदिर में, छोटे से गौर गदाधर की मूर्ति, उनका सेवा करते थे। और 3:30 बजे उनका मौन खुलता था, क्योंकि हम लोग सब कोई व्याकरण पढ़ने जाता था, कोई काव्य पढ़ने जाता था, कोई न्याय पढ़ने जाता था, कोई भागवत पढ़ने जाता था, कोई वेदांत पढ़ने जाता था, जो भी जाता था सबके लिए उस समय वो 3:30 बजे मौन खुलकर हम लोगों के साथ खुश मिजाज से हंसते हुए प्रसन्नता से हम लोगों को पढ़ाते थे। इतने बड़े महापुरुष जो बुखार में भी किसी शिष्य को नहीं बोला कि मेरे ठाकुर जी का स्नान का जल तुम ले आओ यमुना जी से, और जब तक जिए इस तरह का जीवन बिताया। गौ माता, बहुत से लोगों ने उनको गौ माता को दान किया, गौशाला बना, स्वयं अपने हाथ से गौ माता का सेवा करते थे, शिष्य लोग भी करते थे। अभी भी एक शिष्य हरे कृष्ण प्रभु नाम का आदमी है, जो उनका बहुत दिनों से, जब मैं व्याकरण पढ़ता था तब वो भी व्याकरण पढ़ रहा था, तो वो वहां ही रह रहा है। तो ये जो स्थिति है सोच लीजिए, तो इसलिए हमारे जीवन में, बात को समझो कि हमारे जीवन में तपस्या ही एकमात्र रास्ता है मंगल पाने का, कल्याण पाने का, सत्य से जूझने का, कल्याण पाने का यही एक रास्ता है, तपस्या करो। तपो दिव्यम, तपस्या ही सारी शक्ति का आधार है। तो पहले मैंने क्या कहा, शरीर का तपस्या, किसी किसे भी द्वेष, द्वेष मत करो, झूठ मत बोलो। तो इसलिए पहला तपस्या है शरीर का, दूसरा तपस्या है वाणी का, अनुद्वेग करम वाक्यम। हम लोग जो संसार में पाप करते हैं तो आप 3 प्रकार से पाप करते हैं, है ना, यही है ना, शरीर से, मन से और वाक्य से। इसलिए जब वो मर गया, कौन, अजामिल, तो अजामिल मरने के बाद कितने जन्म लेता है बोलो, 3 आए, 3 मन से, वाक्य से और शरीर से पाप करने के कारण 3 यमदूत वहां पहुंच गया। और सर्वे ऊर्ध्व रोमा, विकट दर्शन, विकट रूप का 3 यमदूत वहां पहुंचे, क्योंकि हम 3 प्रकार से पाप करते हैं। उन पापों को साजा दिलाने के लिए पापों का अजामिल, अजामिल के सामने 3 यमदूत प्रकट हुए, उसने देखा
ये कैसे भयंकर रूप है। तो सपुत्र नारायण बाबे भयो विहो बला, कैसे इतना डर लगा तो पुत्र नारायण को वो बुलाने लगा, नारायण नारायण चिल्ला रहा लेकिन आवाज नहीं निकल रहा है क्योंकि बाबा की आवाज तो बंद हो चुका था, अंदर से चिल्ला रहा था लेकिन वो आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। और ये छोटा पुत्र जो नारायण है उसके प्रति इतना स्नेह जनता स्नेह के द्वारा उसके स्नेह में फंस गया और उसी को बुलाने लगा कि नारायण नारायण बेटा मेरे पास आ जा। उठते बैठते नारायण नाम ही लेता था, साधु लोगों ने आके कहा कि ये तुम्हारे पत्नी के गर्भ में जो बच्चा होगा ना उसका नाम नारायण लगे, तो नारायण रख लिया। बोले ठीक है तुम्हारा क्या फायदा होगा, तुम्हारा कोई फायदा होगा तभी तो तुम नाम रखने को कह रहे हो। बोले फायदा बहुत है, तुमको भी फायदा है। बोले क्या तुमको क्या फायदा है पहले बताओ, नहीं तो हम नाम नहीं रखेंगे। बोले हमारा फायदा है, हमारा प्रभु का नाम नारायण है और उनका नाम जब उच्चारण होता है तुम तुम्हारी पत्नी तो नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें भी आनंद मिलता है, हमें भी प्रसन्नता आती है। तो इसलिए नारायण का नाम पुत्र का रखो और तुम्हारा भी कल्याण होगा। इस नाम के जप से इस नाम के कीर्तन से तुमको भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए तुम नारायण मंत्र का जप करो, ठीक है ना। बहुत सारा दवाई लेना पड़ता है। अच्छा सुची सुनिए, तो नारायण को बहुत स्नेह करता था, अब नारायण का नाम लिया, इसे कहते हैं सांकेतिक सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभ हेलन मेव बा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेष अगहरण के। वैकुंठ पति का नाम यदि हम श्रद्धा से लेते हैं तो हमारा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मजाबी तो उस समय उसको याद आ गया, हाय हाय ये जमदूत आ गए मुझे पकड़ने के लिए, आप तो ले जाएगा, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ कोई नहीं सुन रहा है, पत्नी को कह रहा हूँ भैया मुझे बचाओ, बेटे को कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, इतना सब करने पर भी कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, मेरे बातों को सुन नहीं रहा है, पता नहीं मेरा क्या होगा। अब उसको याद आ गया कि मैं तो छोटे से ब्राह्मण का बालक था, मैं पिताजी के आदेश से ब्राह्मण धर्म का पालन करता था, सत्य क्षमा दया शौच सरलता ईश भक्ति ये सब गुण मेरे अंदर थे, जजन जाजन अध्यापन दान प्रतिग्रह ये सब गुण हमारे अंदर था। अब हम ये शूद्राणी से फंस कर मेरे जीवन के सारे पुरुषार्थ को नष्ट कर दिया। प्रभु नारायण नारायण अंदर से बोल रहा है, नारायण मैं तो आपका ही सेवक हूँ, बचपन में आपका ही पूजा किया, आपका ही फूल आपके लिए फूल चुन कर ले आया, आपके लिए ही सब कुछ किया, पिताजी के आदेश का पालन किया, बीच में मैंने अपने जवानी के प्रारंभ में भटक गया और शूद्राणी से बच गया, प्रभु मुझे बचाओ। जब नारायण बोले मन से तो नारायण का चार विष्णु होता है, चार क्यों नारायण तो चार शब्द है तो चार विष्णु होता है। बोले मां वही डरना नहीं, हम लोग सब आ गए, हम लोग तुमको रक्षा करेंगे। जमदूत बोली ये लोग कैसे इतने सुंदर इतने कोमल इतना नयन सुंदर, इनके मुखमंडल सुंदर, इनके किरीट कुंडल सभी कुछ सुंदर, वसन भूषण सुंदर और ये सारी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए तो ये लोग कौन है। तो यहां जो है हमने देखा कि जमदूत और विष्णु दूतों में बहुत बड़ा संवाद हुआ बहुत सारे शास्त्रों का। तो पहले तो विष्णु दूत ने कहा इसको पकड़ो नहीं बांधो नहीं, मारना नहीं है हम लोग जो कर रहे हैं। बोले आप लोग कौन है, बोले हम लोग तुम अपने प्रभु जमराज को जाके पूछना, हम लोगों का युग के बारे में बताना, वो तुम्हें बताएंगे आप कौन है। हम वैकुंठ पार्षद है, वैकुंठपति नारायण के वहां से आए हैं, नारायण के शिवक अजामिल को बचाने के लिए। बोले यही तो
यही तो महाराज समझ में आता नहीं, आ नहीं रहा है आपको, ये गलत पहन कैसे हो गया? ये नारायण का नाम थोड़ी ले रहा था, ये तो आपने बेटे को बुला रहा था, नारायण का नाम नहीं ले रहा था। नारायण का नाम लेता तो हम मान लेते कि भाई नारायण का नाम लिया तो नारायण के लोगों ने आके रक्षा किया, अब नारायण के लोग लग तो रहे हैं कि अब नारायण के लोग हैं, और नारायण भी बहुत अच्छे आदमी होंगे, बहुत ही सुंदर, जब उनके सेवक उतने सुंदर है तो वो भी बहुत सुंदर होंगे। तो हमको तो भैया तुम अच्छे लगे, अच्छे लगे कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगे, लेकिन ये बात तुमको कहना चाहता हूं, इसने जिंदगी भर कितना पाप किया मालूम है? इतने सारे पाप किए जिस पाप का कोई संख्या नहीं, मार मार के लोगों के हड्डी बजली सिर तोड़ करके सबका सामान छीन लिया, गुंडागर्दी कर कर अपने परिवार का पालन पोषण किया, बच्चों को खिलाया, पत्नी को खिलाया पिलाया और ये सब कुछ किया, ये तो बड़ा भयंकर आदमी है, और ब्राह्मण होकर शूद्राणी से शादी कर लिया और इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए, तो ये तो बहुत खतरनाक जीव है, और इसमें नारायण का नाम भी नहीं लिया, ये अपने पुत्र को बुला रहा है, बोले कुछ भी हो लेकिन तुमको इसे छोड़ना पड़ेगा, तो तुम जाके धर्मराज जमराज से पूछना कि धर्म धर्मस्य किम लक्षण, धर्म का लक्षण क्या है? देखो प्रभु नारायण सबके प्रभु है, तुम्हारे जमराज के भी प्रभु है, इसलिए कोई भी सांकेतिक रूप से भी भगवान का नाम ले और मृियमानुष्य मृत्यु काल में, किस काल में? मृत्यु काल, मृत्यु काल बड़ा भयंकर होता है। वही प्राण कृष्णो तुम निवेदन जलाए राखी, जागरूकता करो प्रभु शेष समय दियो ना फाकी, वही प्राण कृष्ण तुम्हारा निवेदन जलाए राखी, हमारो अंतिम कवि रसना जेन कृष्ण बोले, हमारो अंतिम कवि रसना जेन कृष्ण बोले, नयन मुदे हृदय बाजे आमी जेन कृष्ण तुम्हारे निवेदन जलाए राखी। मरते हुए अंतिम काल में प्रभु का नाम अगर जीवा पर आ जाए, लेकिन आता नहीं है, क्योंकि पिछले पिछले किए जन्म में किए हुए कर्म का फल, इस जन्म में किया हुआ कर्म का फल अजामिल तो यौवन के बाद पाप किया था, लेकिन उससे पहले पाप नहीं किया था, इसलिए उसको नारायण स्मरण में आ गया, तभी दिव्य उसको उसका जीवन ऐसा हुआ। इसलिए हमको भी यही सीखना है कि भगवान को हमें अनुभव करना है, अनुभव जैसे अजामिल के मुंह से मृत्यु काल में भगवान का नाम निकला, क्यों निकला? पहले का अभ्यास, कुछ साधु संघ का प्रभाव, साधुओं ने दिया हुआ नारायण का नाम, वो एक बार मुख से आने से नारायण को याद आ गया, अरे हमारे पिता ही नारायण की पूजा करते थे, मैं तो उन्हीं का सारा सेवा व्यवस्था करता था और फूल लाता था, फल लाता था, नारायण के चरण में समर्पित करता था, हाय हाय मैं कितना बड़ा पापी हूँ प्रभु, ये मेरा कैसे जीवन हो गया, आप मुझे रक्षा करो। तो अजामिल का ये जो जीवन है यह हमारे लिए शिक्षा का विषय है, इसलिए तपस्या अजामिल को क्या कहा गया, अजामिल को वैकुंठ दूतों ने, वैकुंठ में ले गया बिल्कुल नहीं, भागवत देखिए, अजामिल को कहा कि गंगा द्वारे समीपे हम तुम्हें उपदेश देते हैं,
कि तुम वैकुंठ जाने के लिए योग्य नहीं हो, इसके लिए तुम्हें तपस्या करना है। क्या करना है? जोर से बोलो, तपस्या। तपस्या करना है और हरिद्वार में जाकर के शांत समाहित होकर जितासन जित श्वासो, सांस को जय करो, आसन को जय करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो और धारणा करो, फिर ध्यान करो, फिर समाधि में जाओ। ध्यान करते अजामिल का जो 12 साल का आयु अवशिष्ट था, उससे पहले ही मर रहा था, कि उसका आयु 12 साल बचा हुआ था, लेकिन वो उससे पहले मर रहा था क्योंकि पाप उसे मार रहा था। लेकिन आप विष्णु दूतों ने कहा जो 12 साल बचा हुआ है इसको तुम प्रभु के तपस्या में हरिद्वार में जाकर के तपस्या में जीवन को बिताओ, तुम्हारा कल्याण होगा। आप लोग समझ लीजिए, तपस्या के बिना कुछ नहीं होने वाला है, तपस्या के बिना कुछ नहीं पाने वाला है। जो भी भक्त विचार करना चाहते हैं, जो भी हमारे यहाँ ऑनलाइन में भक्त विचार करने का काल भी एक भक्त विचार किया, लेकिन आज तो रविवार था इसलिए भेज नहीं पाया, कल सुबह भेज देंगे स्पीड पोस्ट से। जो भी करना चाहेंगे वो मेरे नंबर में व्हाट्सएप में या कोई भी नंबर में कलकत्ता के नंबर में भी भेज सकते हैं और हम लोग आपको विचार करके भेज देंगे। और वृंदावन में अभी हमारा उत्सव है 19 तारीख को, और सबको सूचित करते हैं भक्तों को जो लोग आ रहे हैं कि 12:45 पर ग्रहण लगेगा, तो इसलिए उससे पहले यज्ञ मंदिर बंद होगा, यज्ञ समाप्त होगा, प्रसाद पाना भी समाप्त करना होगा, ये सारा प्रोग्राम 12:15 तक समाप्त करना है, उसके बाद प्रसाद वितरण नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप 18 तारीख को पहुंच रहे हैं, 19 तारीख को गीता महायज्ञ है, 18 तारीख में आकर के जिसका जो सहयोग है वो आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि 19 तारीख को आपको हर हालत में 12 बजे तक प्रसाद पा लेना है, और इसका याद रखिए और भाग्य विचार करने का कोशिश भी कीजिए, आपका जीवन कल्याणमय हो। और आज यही समाप्त करते हैं, हिंदी में प्रवचन हो रहा है, ओम शांति मंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।